हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज जा रही हूँ एमपी आबकारी कांस्टेबल का पेपर देने, तो मैं 2-3 दिन पहले चली गई थी इसलिए। और अभी मेरा बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। फिर भी ये यूट्यूब का रूल है, अगर आप डेली वीडियो नहीं डालेंगे तो आपका वीडियो अच्छे से नहीं जाएगा, तो इस वजह से मुझे अब थोड़ा एक दो दिन करके वीडियो डालना पड़ेगा। कभी 6-7 दिन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी जेठानी के साथ और अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ जबलपुर, और मेरा यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर पेपर था। और ये तो मैं ये देखने जा रही थी क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत कम थी, 6 पोस्ट थी जनरल वालों के लिए, बाकी सारी पोस्ट अदर कास्ट के लिए थी। इस वजह से मैं बस ये देखने गई थी कि पेपर किस लेवल का आ रहा है और कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मुझसे कितना बनेगा। इस वजह से क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम था, उसमें हमें पेपर नहीं मिलता है, कंप्यूटर में जो है पेपर आ जाता है। तो इस वजह से, और जिससे हमें क्या होगा, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे या पहले जो एग्ज़ाम दे देंगे तो उससे हमें जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा कि भाई किस पैटर्न में एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम तो टफ नहीं था, जो मैथ और रीजनिंग का अच्छा होगा उसका तो निकल गया होगा। मेरा क्या, मैथ मैंने सॉल्व ही नहीं की थी, बहुत दिनों से मैथ पढ़ी ही नहीं थी। और रीजनिंग मेरे से बन गई थी क्योंकि मेरा जो मैंने बैंक की प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम का रीजनिंग मुझसे बन रहा था, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आया था बहुत सारा। और एमपी जीके तो मेरी शिफ्ट में बिल्कुल नहीं पूछा गया था क्योंकि मेरा सुबह से पेपर था, तो एमपी जीके बिल्कुल भी नहीं आया था। और हमारे एमपी के एग्ज़ाम होते हुए भी एमपी जीके बिल्कुल नहीं आया। और मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था ना, मेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूर था, बहुत दिक्कत गई सुबह से। मैं 6 बजे निकल गई थी और मेरा 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और 8:30 बजे से एग्ज़ाम था, तो इस वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ा। और मैं ज़्यादा वीडियो वहाँ की रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल लेके गई थी, तो मैंने डिक्की में रख दिया था मोबाइल, जिससे क्या बोलते हैं दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद अकेली गई तो बहुत दिक्कत हुई क्योंकि इतना ठंड था। डुमना जो एयरपोर्ट है वहाँ पर, वहीं के पास था हितकारिणी इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना दूर था, बहुत दिक्कत गई मुझे जाने में। पर ठीक है, एग्ज़ाम देना है तो वो तो जाना ही पड़ेगा। और मैंने वहाँ पे देखा इतने दूर दूर से बच्चे आए थे, और क्या बोलते, कई बच्चे तो ना वहीं पे सो गए थे रात में आके, क्योंकि शहर से 20-25 किलोमीटर दूर कॉलेज होना तो बहुत, सच में बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। जो बेचारे बच्चे दूसरे गांव से आए होंगे, दूर से आए होंगे, उनको तो बहुत दिक्कत गई होगी। और ऑटो वगैरह तो बहुत कम चलते हैं। जब मैं खुद गई थी तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था, पूछते पाछते गई थी, तो ऐसा है। और मेरा एग्ज़ाम कुछ खास नहीं गया, पर हाँ ये समझ में आ गया है कि कैसा जो इसका पैटर्न कैसा रहता है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम एमपी आबकारी का एग्ज़ाम दिया है। पहले मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही थी, फिर मैं यूपीएससी कर रही थी, इस वजह से मैंने ये सारे एग्ज़ाम नहीं किए हैं। पर इस साल इतने सारे एमपी कांस्टेबल का, तो यहाँ पे मैंने रख लिया है एडमिट कार्ड और आधार कार्ड सब रख लिया है। और मैं रेडी हो गई हूँ, मैं निकलने वाली हूँ। अभी बजे हैं 6 और मेरा एग्ज़ाम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो जल्दी जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ। ये तो जब हम लोग का एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद का वीडियो है, क्योंकि जाते टाइम तो कुछ, जब मैं गई थी ना तब तो समझ में नहीं आ रहा था, मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए थे ना कि ना तो कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था, इतनी ठंड थी। ये तो मेरा जब एग्ज़ाम छूट गया था ना तब की वीडियो, मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं 100 पोस्ट के लिए इतनी सारी भीड़।